querido Mitro, é um soldado, um soldado silvado, há pouco fugir, né, esforço, né, e sua semelha aí pra mais do que sacar, quando ele vai na pandemia, mais do que ele soar, ele vai ter que ir. Isso, a sua piada de chata, a sua minha carinha, eu não vou ter que ir, a sua piada de chata, né, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। आज एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुक्र ग्रह कुंडली के किन किन भावों राशियों में आपको चैतवान और भाग्यशाली बना, जैसे कुंडली दूसरे भाव में विषप राशि हो उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे जो पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा यश स्थिति पर प्राप्त करते हैं, संसारिक सुख सामाजिक सुख पाते हैं और चैतवान होते हैं। इसके कुंडली में चौथे भाव मीन राशि उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, समाज में पूजे जाते हैं, व्यक्ति के बीच उनकी अच्छी बैठ होती है, अच्छी पहचान होती है, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। इसके कुंडली में पांचवें भाव में मीन राशि हो उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग इच्छा अनुसार विद्वान होते हैं, ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और चैतवान होते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में तुला राशि हो उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग का सांसारिक जीवन सुखदायी होता है, पारिवारिक जीवन सुखदायी होता है, महिला के योग्य पति पाती है, पुरुष के योग्य पत्नी पाता है, इनके संतान आज्ञाकारी होते हैं। इसके कुंडली में दसवें भाव में मकर राशि हो उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग पूर्ण चैतवान होते हैं, रंग से राजा बनते हैं, हीरो से हीरो बनते हैं और पूर्ण भाग्यवान होते हैं, इनका स्वयं का अपना निर्माण होता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मीन राशि हो ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग छोटे परिवार में पैदा होकर सांसारिक सुख मकान सुख वाहन सुख सामाजिक सुख पूर्ण प्राप्त करते हैं, अपने जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, कभी इनको गरीबी नहीं होती है, ऐसे लोग दानी होते हैं, उदार होते हैं, धार्मिक होते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इस प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्र ना अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करें, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन करूँगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए प्रोग्राम को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।